तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इसमें अपने देखने वाले हैं रमजान रूटीन क्या रहता है। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30, एक रोजा खत्म हो चुका है। अभी डे टू है, आज मैं एडिट करने जा रहा हूँ ब्लॉग अजमेर का फर्स्ट पार्ट। तो रमजान रूटीन क्या रहता है वो देखेंगे पूरे ब्लॉग में। ये कल शाम तक पूरा शूट करेंगे, तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। A few hours later. तो अभी टाइम हो रहा है 2:15 रात के, और अभी 4:30 या 4:45 बजे वापस शहरी के लिए उठना भी है। और अभी मैंने किया है व्लॉग, लेकिन इसमें थोड़े मीम्स वगैरह टेक्स्ट ऐड करने थोड़े बाकी है, तो वो मैं कल करूँगा। और कल मेरे को एडिट करके पोस्ट करना है व्लॉग, और ऐसा मैंने लिया है गोल कि मुझे पोस्ट करना ही है कल। तुमसे ना हो पाएगा। तो मिलते सीधा शहरी के टाइम पे, कितने बजे उठता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ बता दे। क्या क्या पूरा रूटीन रहता है पूरा रमज़ान का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का यही रूटीन रहता है। तो देखते हो व्लॉग में कि कैसे रहता है। मिलते हैं शहरी के टाइम पे। A few hours later. तो अभी टाइम हो रहा है 4:55 शहरी का, अभी मैं उठा हूँ। तो ब्रश कर लिया, अभी देखते हैं आज की शहरी का खाना क्या है। तो हमारा रात का खाना है खिचड़ी, मीठी कढ़ी और पापड़। तो अभी ये खाएंगे, फिर उसके बाद बताते नेक्स्ट गेम क्या खाएंगे। तो हमारा खाना हो गया कंप्लीट, और अब हम खाएंगे दूध और केले। इसके बिना मेरी शहरी अधूरी रहती है। मैं खाना नहीं खाता हूँ तो चलता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी लगता है मेरे को। तो अभी ये खाएंगे, फिर उसके बाद शायद थोड़ा व्लॉग पे काम करेंगे शायद, नहीं तो फिर नमाज का टाइम हो जाएगा तो नमाज़ पढ़ने जाएंगे, और फिर देखते हैं लेट्स सी। तो अभी कर लिया मैंने चेंज, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा नमाज पढ़ने। अभी 15 मिनट बाकी है और नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा बैठेंगे और नमाज का वेट करेंगे, अजान का वेट करेंगे, फिर नमाज पढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद देखता है कि क्या करते हैं, सो जाता हूँ या फिर कुछ काम करता हूँ पता नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं। The next morning. तो मैं सुबह में नमाज के बाद सो गया था, और अभी सुबह हो चुकी है तो मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए। अभी ऑफिस पे जाएंगे, रेगुलर डे का वर्क खत्म करेंगे, और उसके बाद वहाँ से जोहर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के पास। मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली, और अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। पेंडिंग वर्क ख़त्म करेंगे और फिर मैं 6 बजे निकलूँगा घर के लिए। तो मैं आ गया हूँ अभी ऑफिस से घर, और अभी बन रहा है इफ्तारी में जो खाने वाले हैं वो, तो देखते क्या बन रहा है। तो ये सब मम्मी ने रेडी करके रख दिया है, ये चाइनीज़ रोल मस्त, इसको फ्राइड करेंगे, बहुत ही मस्त बने थे। तो एकदम देख सकते हो आप, एकदम ब्राउन ब्राउन एकदम लजाकेदार रेडी हो चुके हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को खजूर निकालने के लिए बोला, जो रोजे में खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये निकाल लिए मैंने। फिर आलू फ्राइड किए जो एकदम क्रंची हो जाते हैं, देख सकते हो आप कितने मस्त लग रहे हैं ये देखने में भी। और ये है शरबत, और ये है हमारा इफ्तारी का खाना जो हम जिससे रोज़ा खोलने वाले हैं। तो रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैंने खा ली है सबसे पहले खजूर, और उसके बाद मैंने खाया ये क्रंची आलू, फिर खाया चाइनीज़ रोल जो बहुत ही मस्त तो बना हुआ था। फिर ये है कस्टर्ड, ये है पोटैटो चिप्स, ये है प्याज के कांदे के भजिए, ये है मस्त नूडल्स। आप इससे चाइनीज़ रोल है जो बहुत ही टेस्टी बना था, तो मैं 2-3 खा गया एक ही साथ में। फिर मैंने लास्ट में पिया पानी, और उसके बाद लास्ट में एकदम ये है जूस जो स्टार्टिंग में हमने देखा, शरबत जूस जो भी बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक। A few moments later. तो अभी नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, तो कल का जो अजमेर का व्लॉग बाकी है वो एडिट करते पोस्ट करते, और अभी एक और नमाज बाकी है तरावी की और ईशा की, तो वो पढ़ेंगे तो व्लॉग एंड करेंगे, अपना रूटीन रहेगा आज का। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे और व्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो।